हेलो गाइस, श्रावण का महीना है। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा वो शिव जी का भक्त को, वो पानी लेके अभी मंदिर में डालने के लिए जा रहे हैं, बोलबम जिसे बोलते हैं। वो उन लोगों का अभी दिखाऊंगा मैं। उन लोग अभी वो नदी में पानी पानी लेने के लिए गए हैं, डुबकी लगाने। यहाँ पर कहाँ पर रास्ता है पता नहीं, लेकिन जा रहा हूँ। ठीक है, दिखाता। ठीक है, वो देखो उन लोग पानी पानी लेने के लिए अभी मंदिर में डालने के लिए यहाँ पर नहा रहे हैं। ये उनका सामान, थोड़ा क्लोज ले जाके दिखा रहा हूँ। बारिश आएगा शायद। ये देख सकते हो उन लोगों का काबर जो बाहर। झारबंद जाने के लिए तैयार हैं और देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा करते हुए। आप देख सकते हैं आज का मौसम थोड़ा सा बदला, बहुत ही ज़्यादा है, काली घनी सा मतलब बादल छाया हुआ है। तो आप हम अब उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करने के प्रयास करते हैं। हेलो, वो लोग अभी उन लोगों का जो भक्त है ना, वो लोग पूजा करने का खत्म कर चुके हैं। अभी वो लोग जाने के लिए निकलने के लिए अभी बाहर रहे हैं। तो वो जैसे बाहर जाएंगे तो हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। और अभी बारिश थोड़ा सा थमने लगा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद आप लोगों को प्रयास करेंगे कि कहीं अलग अलग जगह कवर करने के लिए दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा सौरभ भाई है और कुना भाई वो है और बड़े बड़े दो और हमारे जाने पहचाने वो दूर खड़े हैं ब्रिज के तरफ। उन लोगों से बाद में आपको मतलब उनके साथ जा कहीं उनका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं उनका पूजा खत्म होने से हम उन लोगों से बात करने के लिए कुछ मतलब प्रयास करेंगे। तो पूछने वाला हूँ मैं कहाँ से आए और पानी लेके कहाँ जाएंगे, सब मैं पूछने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? रविंद्र पटेल। कहाँ से? हमारा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, उमरकोट जरिया। आप लोग अभी पानी लेके कहाँ पे जाओगे? जो बोलते हैं सामने जो है झारबंद बोल के नाम है, उस मंदिर पर जाएंगे। पहला बार है, हम कभी नहीं आए हैं, नया से यहाँ अभी बोल जाएंगे। अभी झारबंद अभी कितने जन आए हो? हम टोटल 12 जन आए हैं। 12 जन, ठीक है। इधर से वहाँ से आप लोग कितने टाइम पे निकले? हम सुबह 5:30 बजे निकले हैं 5:30 घर से। हम आने के टाइम में हो गया 9 बजे तक पहुंच गए यहाँ पर। 9 बजे पहुंच गए, ठीक है। अभी पानी लेके झारबंद जाओगे, वहाँ से फिर बस पकड़ के जाओगे या? नहीं, हमारा बाइक है, बाइक लेके आए। बाइक में आए तो सामने के वाला एक गाँव में छोड़े हैं बाइक, अभी बाइक लेके पानी चल के बाइक लेके जाएंगे घर। ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है, कर दो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए और आगे का नजारा हम जरूर दिखाएंगे, तो मजेदार रहेगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए और आगे वाला वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, हाय। तो हम जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे थे, हम जैसे कि आपको बता रहे थे कि आज हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि डोकरी चंचरा की तरफ घूमने के लिए, लेकिन धीमी धीमी सा बारिश शुरू होने लगा है। आप देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा सा बदलाव लाने लगा है, पानी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और हम शिव जी के भक्तों को देखे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकने का मन किया, तो उन लोगों को मतलब उनसे थोड़ा बातचीत करने की प्रयास करेंगे, देखते हैं।
वो लोग कहाँ गए थे मंदिर, और उनका पूजा चल रहा है, आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको मतलब या इस जगह का मतलब सारा डिटेल दिया था, तो अभी कुछ नया जानने के लिए हम सौरभ भाई से कुछ पूछेंगे और यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अरे बताइए भाई। हेलो, जो कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं भी घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं भी अच्छी तरह से घूमने का ना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, टाइम में आ जाओ तो अच्छे तरह से नहीं सर। हम भक्त है ना,